मेरा सिर भी काट दो तब मैं भी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। ईडी से नोटिस मिलने पर भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नोटिस थमा दिया है। पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर ईडी कल उनसे पूछताछ करेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य संजय राउत से कहा गया है कि वह 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित संघीय जांच एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराएं। ईडी के समन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा सिर भी काट दो तब भी मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, अब पता चला कि ईडी ने नोटिस क्यों भेजा है। हम सब बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साजिश चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले शिवसेना नेता के उनके अलीबाग में एक प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क कर दिया था। ईडी राउत के अलावा उनकी पत्नी से भी पूछताछ कर चुका है। ईडी 1034 करोड़ रुपए से अधिक भूमि घोटाले के सिलसिले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की एचडीआईएल की सहयोगी कंपनी के निदेशकों में से एक प्रवीण राउत पर एक्शन ले चुकी है और उन्हें अरेस्ट कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में बताया था कि अप्रैल में उसने 11 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से अटैच किया था, जिसमें दादर में एक फ्लैट भी शामिल है। इसमें लगभग 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है, जबकि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। ईडी बेशक इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन संजय राउत कह चुके हैं कि वह इस मामले को लेकर बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर उद्धव ठाकरे और बागी विधायक एकनाथ शिंदे के दरमियान जारी खींचतान के बीच पार्टी के नेता संजय राउत ने बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता छोड़कर नए सिरे से चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए पार्टी के लिए द्वार खुले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शिवसेना राकांपा और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार वर्तमान संकट से बाहर निकल जाएगी।